आज अचानक तुम्हें अपने पुराने मित्र की याद कैसे आ गई? का बताओ मित्र, नटवरगढ़ बहुत मुसीबत में है। मुसीबत? कैसी मुसीबत महाराज? ये कैसे आवाज है? ए मारे, लागत है वो डायनासोर फिर जा गवा है। अरे जल्दी जल्दी सब अपना अपना झोपड़िया में भागो। डायनासोर आ गया, भागो। बचाओ, 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 पता नहीं हम लोगन का इस शैतान डायनो असुर से कब मुक्ति मिलेगी। तुम तो जानत हो के नटवरगढ़ एक ठो पहाड़ के पास बसा है, हैं? उही पहाड़ पे एक तो बहुत खतरनाक डायनासोर रहत है, जिसका नाम डायनो असुर है। हाँ महाराज इंद्रवर्मा, दरअसल डायनो असुर के खाल इतना सख्त है कि मामूली तीर और भाले का कोई असर नहीं होता है। फिर क्या डायनो असुर को हराने का कोई रास्ता नहीं? कहत है कि नटवरगढ़ के पास से जो नदी बहत है, वो नदी के उई पार है, उई पार एक ठो गुफा है जो बहुत ही भयंकर खतरों से भरी पड़ी है। ओ गुफा के अंदर एक ठो लावा का कुंड है। कुंड माने कुंड समझे? कुंड है और कुंड के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है जिस पे एक जादुई भाला गड़ा है। जादुई भाला? हाँ हाँ, और उ भाला से डायनो असुर को हराया जा सकत है। भीम, तुम फौरन रवाना हो जाओ और उस जादुई भाले को हासिल करके उस डायनो असुर को हरा कर नटवरगढ़ में शांति स्थापित करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। ये तो छोटू की आवाज नहीं लगती। छोटू! Thank you.
अंधेरा होने लगा है, रात यही गुजारते हैं, सुरक्षित रहेंगे। बड़ा डायनासोर नहीं, पर कोई छोटा जानवर भी रात में हमला कर सकता है। हमें रात भर पहरा रखना होगा। रोइए मत मिस्टर खोज वाला, कोई रास्ता निकल जाएगा। मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे जुकाम हो गया है, छींक आ रही है। नहीं मैं रो ही रहा हूँ। कालिया उस्ताद, रो रहे हो? नहीं नहीं, रो नहीं रहा। यूं हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो, कोई रास्ता जरूर होगा। उस भयानक टीरेक्स से कोई नहीं लड़ सकता। लड़ तो नहीं सकते, पर उसकी कोई तो कमजोरी होगी जिसका हम फायदा उठाकर अपने छोटू को उससे वापस ला सकें। जहाँ तक मैंने देखा, ये डायनासोर बहुत बड़े होने की वजह से बाकी जंगली जानवरों की तरह उतनी तेज रफ्तार से नहीं भाग पाते। तुमने सही कहा, घुड़सवारी, शेर चीता नहीं, पर शायद एक और जानवर है यहाँ जिसकी रफ्तार तेज है। आगे टीरेक्स तक पहुंचाएंगे, लड़ाई ये करेंगे और इनाम मैं ले जाऊंगा। अंडा नहीं, पूरा का पूरा टीरेक्स मैं साथ ले जाऊंगा। सुनो, जरा इस तरफ ध्यान दो। यही वो सुनहरा मौका है, मैं एक हाथ से टीरेक्स के गले में रस्सी डालूंगा। एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाए। हमार मदद कर खातिर हमार तरफ से ई जादुई भाला स्वीकार करो। धन्यवाद महाराज।